गाइस माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले कुकिंग ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो मैंने सोचा कि इस बार भी ऐसा कुछ सिमिलर सा करते हैं। बट इस ब्लॉग में मैं पकाऊंगा नहीं, इस ब्लॉग में मैं खाऊंगा। एनीवेज, सो क्या हुआ था, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ ऑर्डर करते हैं। फिर मैंने सोचा कि जोमेटो से ऑर्डर करें या स्विगी से ऑर्डर करें, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि एक ही आइटम एक ही जगह से ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से भी स्विगी से भी, एंड चेक करते हैं उनमें कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कि डिलीवरी चार्जेस किसमें ज़्यादा लग रहा है, प्राइस किसका ज़्यादा है, क्वान्टिटी किसका कैसा है, एंड बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिन पे हम लोग उसको जज करेंगे। जैसे कुछ कुछ क्राइटेरिया जो मैंने नोट डाउन किया है, जो कि है डिलीवरी चार्जेस, ऑफर्स, आइटम प्राइस, ईज ऑफ कैंसिलेशन, मिसलेनियस जिसमें कि हम लोग देखेंगे टिप कितना दे सकते हैं, एंड वो लोग क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कर रहे हैं या प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या फिर क्या है उसकी, उस पर हम एक स्कोर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को वो लोग एक्चुअल में फॉलो कर रहे हैं या नहीं, एंड क्वांटिटी कैसा रहता है, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि यूजर एक्सपीरियंस किस में ज्यादा अच्छा है, जोमेटो में या स्विगी में। सो बेसिकली इंडियन सोसाइटी की तरह मैं भी जज करने वाला हूँ कि गोयल जी का लड़का ज्यादा अच्छा काम कर रहा है या रेड्डी जी का लड़का ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। एंड जैसे मैंने ये आइडिया अपने दोस्तों को बताया कि आज मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाने वाला हूं, तो फ्री फूड के नाम पे हमेशा की तरह मेरे दोस्त मुझे बोले कि हम लोग आ रहे हैं। ओके, आ ही गए, बोलो, चलिए उनसे मिलते हैं। और बारिश हो रही थी फिर भी ये लोग भीग भीग के छाता में आए। वाह, फ्री फूड के लिए कुछ भी, वेरी नाइस। खाना है, आइए अंदर ऑर्डर करेंगे हम लोग। ऑर्डर नहीं किया, ऑर्डर करेंगे जनाब। अभी तो पहले डिसाइड करना है कि हम लोग खाएंगे क्या। ओके, तो अब तुम लोग यहाँ पे आ गए हो तो क्या खाएंगे ये बताओ। डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव रिसर्च, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च हमने डिसाइड किया है कि हम लोग बिरयानी खाएंगे, ठीक है ना? हाँ, लेकिन किस जगह से? गुड क्वेश्चन। ओके अंशु, तो ओबेरॉय खोल लिया तू, मेरा भी ऑन है। ऐसा करते हैं, इनका जो चिकन ओबेरॉय स्पेशल हैदराबादी बिरयानी है, अबे वेज बिरयानी क्या बोल रहे हो तू, पागल है क्या, पाप लगेगा। तो हैदराबादी बिरयानी ऑर्डर करते हैं, चलो ठीक है। एक एक मैंने का ऐड कर लिया, मैं भी ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, कार्ट में जाते हैं हम। ओके, तो मैंने ऐड कर लिया, तू ऐड कर लिया कार्ट में, ठीक है। कूपन्स देख ले, ऑफर्स, या अच्छा उसके पहले एक चीज अंशु, एक मिनट, प्राइस क्या था इसका? 260, मेरा भी 260, तो इसमें दोनों सेम है, सेम ही है। ओके, ऑफर्स में एक बार देखते हैं, मेरा 60 लग रहा है, तेरा जो डिफॉल्ट लग रहा है मेरा। चलो मेरा तो ग्रैंड, यहाँ पे हम लोग बेसिक कूपन अप्लाई कर रहे हैं जो कि मतलब जोमेटो और स्विगी बाई डिफॉल्ट देते हैं। जनरली आपके पास कोई कार्ड नहीं भी है फिर भी आप वो कूपन लगा सकते हो, राइट? ठीक है, चलो। अच्छा, और एक चीज क्लियर कर देते हैं कि मैं जोमेटो प्रो यूज नहीं कर रहा हूँ और ये स्विगी सुपर यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वाला यूज कर रहे हैं बस। अच्छा, 22 रुपये मेरा लग रहा है डिलीवरी पार्टनर वाला, और टैक्सेशन चार्जेस 19 रुपये लग रहे हैं। अच्छा, तो डिलीवरी चार्ज ऑलमोस्ट सेम है मेरा, 21 रुपये, तेरा 22 रुपये। टैक्स तेरा है कितना? टैक्स मेरा है 39 रुपीज, तो मेरा ज्यादा लग रहा है। ओके, मुझे 75 डिस्काउंट मिल रहा है, तुझे कितना? 120 मिला। चलो, तुम पे जीत गए, तुम तो टोटल तेरा कितना है? 245, मेरा 181। ए भाई यार, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो क्या बोला था पहले? अबे लेकिन अब खरीदा है जीतेगा क्या? अबे तो यार जोमेटो क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग का अलग रहा। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, और कुछ देख ले, और क्या क्या है इधर
कैंसिलेशन भी कुछ कुछ है, 60 सेकंड्स देते हैं तेरे को कैंसिल करने के लिए। सुनिए वाले ओके, यहाँ पे खुला ऐसा लिख रखे हैं एकदम, ऑर्डर वंस प्लेस्ड कैन नॉट बी कैंसिल एंड आर नॉन रिफंडेबल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें और कुछ नहीं और अच्छा इस हाँ टिप क्या है, टिप का है इसका ऑप्शन 30 से स्टार्ट होता है, 20 30 50 है हमारे पास। अच्छा इधर थोड़ा है लेकिन कस्टम डाल सकते हैं कुछ, कस्टम भी है मेरे पास भी। आइटम प्राइस दोनों का सेम था, अभी हम देखेंगे कि क्वांटिटी कैसा आने के बाद। डिलीवरी चार्ज भी दोनों का सेम था, टैक्स मैं ज्यादा दे रहा हूँ तू कम दे रहा है, और डिस्काउंट मेरे को बहुत ज्यादा ही हैवी डिस्काउंट मिले, 60% ऑफ कौन देता है भाई, ये क्या मजाक है भाई। ठीक है चलो तो अब प्लेस करें ऑर्डर। हाँ तेरे वो एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस से कुछ एक था ना वो रहता है, डोंट सेंड कटलरी टिश्यूज एंड स्ट्रॉज, तो मैंने उस पर टिक कर रखा है, मेरा डिफॉल्ट रहता है, मेरा वैसा कुछ है ही नहीं। और इधर है स्पेशल रिक्वेस्ट का, कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है तो स्पेशल रिक्वेस्ट कर। सुन ऐसा करते हैं, मैं मेक इट स्पाइसी करता हूँ, तू मेक इट लेस स्पाइसी कर, और देखते हैं कि एक्चुअल में मेरा स्पाइसी और तेरा लेस स्पाइसी होता है या नहीं। ओके देन, अभी मेरा दिखा रहा है यहाँ पे डिलीवरी इन 27 मिनट्स, तेरा वैसा कुछ दिखा रहा है क्या? ये हम लोग यूजर एक्सपीरियंस के तहत एक बार देख लेते हैं। मेरा तो अभी कुछ उसे दिखा नहीं रहा है, कितना टाइम लगेगा, दिखा भी रहा होगा तो मैं अंदर नहीं दिख पा रहा। लेट इट बी, हम लोग ऑर्डर करते हैं अब डायरेक्टली, चलो ठीक है। तो ऐसा स्क्रीन एक्चुअली दिख रहा है ऑर्डर करने के बाद दोनों को, ये देखो मेरे कैंसिल ऑर्डर वाला एक ऑप्शन है। अच्छा मेरे में कैंसिल ऑर्डर का कोई ऑप्शन नहीं रहता वैसे। तो अभी 34 मिनट्स दिखा रहा है, 34 मिनट्स दिखा रहा है, मेरा 27 मिनट्स। टाइम स्टार्ट नाउ, 4:13 हो रहा है अभी, 4:13 4:14 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अभी और एक यहाँ पे स्विगी में मिलता है कि मैं जैसे ही इसको होम पे जाता हूँ तो मेरे को पिक्चर इन पिक्चर में वो ट्रैकिंग। अच्छा वो इसमें नहीं है वैसा, ओके गुड यूजर एक्सपीरियंस। चलो देखते हैं फिर, अभी वेट ही कर रहा हूँ। तो अब हम लोग वेट करते हैं कि खाना जब आता है उसके बाद हम लोग मिलते हैं, तब तक इंतजार हो गई। 12 seconds later. अंशु आ गया तेरा स्विगी वाला, बोले तो मेरा पहले ए भाई। और जोमेटो पे कितना दिखा रहा है, कितना टाइम और बाकी है? जोमेटो पे दिखा रहा है 9 मिनट और। तो अभी जैसे ही हम लोग ये लेकर आए स्विगी वाला पैकेट, जोमेटो वाला भी नीचे पहुंच चुका है, और वो जोमेटो वाला पता नहीं नीचे आके फोन नहीं करता, तो हम जोमेटो स्विगी दोनों का आ गया है। यस चलो ठीक है, टूट पड़ो। ये है जोमेटो का और ये है स्विगी का, तो अब बस टूट पड़ते हैं फिर। टूटते पर नहीं है, मतलब पहले टेस्ट करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ये मैं पहले जोमेटो को ले रहा हूँ, और जोमेटो का हमने बोला था थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, तो वो भी चेक कर लेंगे कि स्पाइसी है या नहीं है। वैसा कुछ स्पाइसी तो नहीं लग रहा मेरे को, नॉर्मल ही है। इधर आते हैं, इसको हमने बोला था लेस स्पाइसी करने के लिए। बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में दोनों को ही 0 मिलेगा, एंड क्वांटिटी वगैरह देखा जाए तो एकदम ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके सो क्वांटिटी एंड टेस्ट वगैरह सब तो बहुत ही बढ़िया था, हमने पेट भर के खा भी लिया। तो अब वो मौका आ गया है अहम घड़ी, जिसमें हमें पता चलेगा कि विनर कौन है और लूज़र कौन है। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है, तो डिलीवरी चार्जेस में यहाँ पे क्लियरली विनर हमें दिख रहा है स्विगी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑफर्स में, तो ऑफर्स में भी स्विगी सबसे ज़्यादा जीत चुका है, बहुत ही ज़्यादा 60% ऑफ दिया था इसने, और जोमेटो ने सिर्फ 30% दिया था। तो यहाँ पे भी विनर जो है हमारा जो स्विगी है, और लूजर हमारा जोमेटो है। आइटम प्राइस अगर देखा जाए तो दोनों का सेम था, तो ये टाई हो गया एक तरीके से। और अगर ईज ऑफ कैंसिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे भी स्विगी विनर है, क्योंकि जोमेटो में ऑप्शन ही नहीं रहता है ऑर्डर कैंसिल करने का। उसके बाद मिसलेनियस में आते हैं, जहाँ पे हम लोग टिप्स एंड हम लोग क्लाइमेट को लेकर उन लोग क्या देख कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, यानी ये सब चीज़ देखने वाले थे। तो इसमें जोमेटो में एटलीस्ट एक ऑप्शन है कि आप कटलरी यूज़ ना करो, ऐसा एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, जो कि स्विगी में नहीं है। तो यहाँ पे जोमेटो जीत गया है एंड स्विगी हार गया है।
और अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में देखें तो दोनों में से दोनों को ही जीरो पॉइंट्स मिलने वाले, क्योंकि किसी ने भी कोई फॉलो नहीं किया था स्पेशल इंस्ट्रक्शन। मुझे लगता नहीं कि ये जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहता है वो काम का है भी। एनीवेज तो यहाँ पे भी दोनों स्पेशल इंस्ट्रक्शन में दोनों ही टाई हो गए। उसके बाद हमारा क्वांटिटी आता है, तो क्वांटिटी भी दोनों का सेम ही था, बिल्कुल सेम था, कुछ अलग नहीं था, तो ये भी टाई हो रहा है। और डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम भले ही 2-3 मिनट से स्विगी जीत गया है, तो यहाँ पे जीता हुआ आपस से स्विगी है और जोमेटो हार गया है, बस 2-3 मिनट से आ रहा है, ज़्यादा नहीं है। एनीवेज तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि विनर जो है वो स्विगी है एंड मैं जोमेटो टीम में था, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इस हंसी के पीछे दर्द है। एनीवेज तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग मिलकर फ्यूचर में और भी कुछ ऐसे चैलेंज वीडियोज या फिर ऐसा कुछ भी रैंडम वीडियोज करें, आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड तुम लोग कुछ कह दो सब्सक्राइब करने में, प्लीज कर लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और एक चीज अच्छा लगा शेयर करो, और एक चीज़ सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत करो प्लीज़। मैं देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं फिर अचानक से घट जाते हैं, तो प्लीज़ रहम की भीख मांगता हूँ मैं तुम्हारे सामने। अरे तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस। अरे अरे पैर मत पकड़ो, मैं पेमेंट कर लूँगा।